हेलो दोस्तों, तो आज फिर से बनाते हैं फटाफट ये नाश्ते की रेसिपी। आपको बेहद पसंद आएगी। बच्चों का टिफ़िन हो या आपको मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा बनाने का मन ना करे तो इसे फटाफट बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी और बनाने में आसान। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज ली है, मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने कट कर लिया था। 2 से 3 हरी मिर्च इन्हें भी मैंने कट करके और इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती डाल देती हूँ और आलू भुजिया। अब इसमें मसाले डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ये धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और 2 पिंच में इसमें हींग ऐड करूँगी, जिससे ये जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी बनेगा। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मैंने इसमें आलू भुजिया भी डाली है तो नमक उसी हिसाब से डालें। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है दोस्तों। रोटी सब्जी या दाल चावल कुछ भी आपका मन ना करे बनाने के लिए तो आप इसे दिन में कभी भी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे रायता या दही के साथ एंजॉय कीजिए तो कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी से काम चल जाएगा और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। कम टाइम में बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी। तो यहाँ मेरे पास ये आटा गूंदा हुआ पहले से ही था, वो यूज़ कर रही हूँ। आप इसे पराठे के लिए बनाएं तो हल्का सा इसमें नमक ऐड कर लें और बस इसे हम बना लेते हैं। मेरे पास ये पहले से ही बचा हुआ था आटा, मैं उसी का ये पराठा बना रही हूँ। तो बस इसे हम बेल लेते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना, क्योंकि हम इसमें जो प्याज भरेंगे वो थोड़ी कच्ची है और हरी मिर्च ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से मिक्स करके इसमें भरेंगे तो मोटा रखेंगे थोड़ा सा, जिससे ये फटे ना। और ये देखिए कितना मोटा रखा है मैंने। बस इसे हम सारा मिश्रण है इसके ऊपर डाल देते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया इसका बनेगा दोस्तों। आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, तो बहुत ही टेस्टी और झटपट सी रेसिपी है। बच्चे या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। गर्मी का दिन है और कुछ ज़्यादा बनाने का मन भी नहीं करता तो आप इसे बना लीजिए, या कोई घर पे कोई सब्जी नहीं है तो आप इसे बना के और एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे भर दिया है और ट्रायंगल का शेप दे दिया है। और अब इसे थोड़ा सा हम पानी लगा देते हैं, जिससे ये खुले ना, अच्छे से सिक जाए तो, और इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। तो मैं इसे तिकोना बना रही हूँ, आप गोल भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप इसे बना लीजिए। तो इस तरह से हम दबाते हुए अच्छे से इसे चिपका देते हैं, जैसे ये सेकते हुए खुले ना, और बहुत ही बढ़िया हमारा ये पराठा बनके तैयार होगा। प्याज के पराठे दोस्तों आपने कई तरीके से बनाए होंगे, इस तरह से बना के देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगता है और ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से बनाने का। थोड़ा सा हम इसे मोटा रखेंगे, हल्का सा मैं इसमें बेलन चला देती हूँ, जिससे ये जो चीज़ें हैं अच्छे से चिपक जाएँ, जैसे सेकते हुए ये बाहर ना निकले। तो बस हल्के हाथों से ही इस तरह से चला दें, नहीं तो ये फट जाएगा। और बस इसे हम सेक लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी इस तरह से मैंने इसे मोटा ही रखा है और अब इसे सेक लेंगे। तो सेकने में थोड़ा सा हम इसे तवा गर्म कर लेंगे और उसके बाद उलट पुलट करते हुए इसे अच्छा सा चिट्टीदार होने तक इसे सेक लेंगे। क्योंकि मैंने इसमें प्याज डाली है दोस्तों, तो अच्छे से इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी, यानी अंदर से भी अच्छे से भुनने लगेगी, तो ये पराठा है ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो धीरे धीरे से इस तरह से दबाते हुए और उलट पुलट करते हुए अच्छा सा कलर आ जाए तब तक हम इसे सेक लेंगे। बहुत ही बढ़िया बनता है दोस्तों। इसमें जो मसाले हैं और आलू भुजिया है प्याज के साथ में, इतना बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार इस तरह से बना के देखिए दोस्तों। तो आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, वो भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं या जो भी कुकिंग ऑयल आप पसंद करते हो, इस तरह लगा के और इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। काफ़ी आसान तरीका है दोस्तों, इस तरह से उलट पुलट करते हुए हम देखिए, बहुत ही बढ़िया हमने पराठा सेक लिया है और बस इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी, यानी इसे 5 से 6 मिनट लगते हैं पराठा बनाने के लिए दोस्तों। और आप ये देखिए बहुत ही यम्मी लग रहा है ना, तो बस एक बार इसे बना के देखिए। तो ये प्याज का पराठा सभी का फेवरेट होने वाला है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार सा ये नाश्ते की रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर प्याज का पराठा आपको पसंद आया हो, यानी मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप इसे रायते, दही
आप इसे चाय के साथ इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी बना है। मिलेंगे फिर से ऐसी वीडियो के साथ।